ये देखो भाई, मुंबई की झुग्गी झोपड़पट्टियों का पूरा नज़ारा, किस तरह से लोग इन घरों में रहते हैं। यहीं पर कपड़े भी सुखाते हैं, यहीं पर नहाते हैं, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और ये नीले नीले ड्रम में लोग पानी भरते हैं। इधर देखो, अंकल नहा के कपड़े भाई सुखा रहे हैं और इधर कपड़े डाले गए हैं। कहीं भी जगह नहीं है, ऐसे बाहर लोग सारा काम करते हैं। इधर देखो, अंकल लोग चारपाई पे बैठे हुए हैं भाई, और सामने का नज़ारा देखो कितनी गंदगी है। ये देखो, ये चौराहे का नज़ारा जहाँ पे इन सभी डब्बे में लोग पानी भरने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। ये देखो, बिजली का जो करंट वायर होता है वो यहाँ पर बनाया जाता है, उसका कारखाना है यहाँ पर। और साथ में इधर देखो, इधर कितना ज़्यादा कचरा फेंका गया है, और इधर ये जो टीन के घर बनाए गए हैं इसी में लोग रहते हैं। और इधर देखो, पूरा का पूरा झुग्गी झोपड़पट्टी भाई बसा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस ऑफिशियल ब्लॉग। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं मुंबई की सबसे गंदी झुग्गी बस्ती दारूखाना का पूरा नज़ारा। दोस्तों, दारूखाना कोई छोटा सा झुग्गी बस्ती नहीं है, जो भी मुंबई की धारावी झुग्गी बस्ती है वो काफ़ी बड़ी है, और उसमें लोग पतली पतली गलियों में और छोटे छोटे रूम में अपने परिवार के साथ कैसे रहते हैं, कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी असली सच्चाई क्या है, जो नर्क वाली ज़िंदगी है भाई, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। दोस्तों, लोगों को लगता है कि माया नगरी मुंबई में लोग सालों शौकत से अपनी ज़िंदगी जीते होंगे, लेकिन गाइज, मिडिल क्लास के लोग, छोटे लोग किस तरह से मुंबई की छोटी छोटी गंदी झुग्गी बस्तियों में अपने परिवार के साथ ज़िंदगी जीते हैं ना, आज की इस वीडियो में आपको पूरी रियली सच्चाई दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि मुंबई की झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसे बीतती है। तो चलिए, फिलहाल वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अभी हम लोग मुंबई के दारूखाना झोपड़पट्टी की गलियों में आ चुके हैं। ये देखो, दारूखाना की झोपड़पट्टियों की असली सच्चाई, किस तरह से लोगों का यहाँ पे घर होता है। देखिए, बाहर लोग बैठे हुए हैं और ये इतनी पतली पतली गली है भाई, देख सकते हो। इधर भी लोग बैठे हुए हैं, कपड़े सुखा रहे हैं, कपड़े डाल रहे हैं, और जितने भी ये नीले नीले ड्रम दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें सभी लोग अपना भाई पानी भर भर के रखते हैं, क्योंकि पानी यहाँ पर टाइमिंग से आता है और काटता है तो दो दो तीन तीन दिन। ये देखो, बच्चा साइकिल यहीं पे चला रहा है भाई, साइकिल रखने की जगह नहीं है, लेकिन लोग किस तरह से यहाँ पर नहाते हैं, खाते हैं, रहते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ मुंबई के दारूखाना झोपड़पट्टी का। इधर देखो, अंकल नहा के कपड़े सुखा रहे हैं और इधर बाहर कपड़े सुखाए जाते हैं, सारा काम बाहर होता है भाई। इधर देखो, कितने डिब्बे रखे हुए हैं जिसमें पानी भर के लोग रखते हैं। ये है यहाँ का नज़ारा, ये देखो, टीन डाल डाल के ये लोग अपना रूम बना के रखते हैं इस तरह से। ये चौराहे का मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, किस तरह से चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली रहती है, कूड़ा कचरा इतना ज़्यादा फैला रहता है कि भाई पूछो मत। इधर का नज़ारा देखो, ये अंकल लोग चारपाई पे बैठे हैं, और सामने का देखो, रोड का नज़ारा देख लो आप, कितनी गंदगी है रोड पे, हर जगह पानी लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है। इधर आंटी बैठी हैं चेयर पे, और यहीं पर ये रहती हैं, तो देखो ये टीन में ऊपर से पॉलिथीन डाल के अपने परिवार के साथ लोग कैसे रहते हैं, कैसे ज़िंदगी जीते हैं। ये है मुंबई की झोपड़पट्टियों की असली सच्चाई। लोग कहते हैं माया नगरी में बहुत सुकून से लोग ज़िंदगी जीते हैं, तो भाई मिडिल क्लास के लोग और छोटे लोग कैसे जीते हैं पूरी ज़िंदगी अपनी, ये देखो। यहाँ पर लोग 40-40 साल, 50-50 साल से ऐसे जगह पर रहते हैं। लग ही नहीं रहा है कि मैं भाई मुंबई के माया नगरी में हूँ, लग रहा है कि मैं किसी गांव देहात में हूँ। देख रहे हो, ये देखो, चौराहे पे पानी भरने के लिए डिब्बे लगाकर लोग लाइन लगाए हुए हैं, इतना सारा डिब्बा इधर रखा हुआ है। इधर आंटी लोग बैठी हैं, स्कूटी रखा गया है, सारा काम इन लोगों का ना भाई बाहर ही होता है। छोटे छोटे रूम होते हैं, उसमें सो जाएं लोग, खाना बना लें, वही बड़ी बात है, क्योंकि जगह नहीं होता है रूम में, काफ़ी छोटी छोटी जगह होती है। इधर छोटा सा चौराहा है जहाँ पर भाई नाश्ता पानी लोग कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये दारूखाना झोपड़पट्टी का मैं आपको पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ, दरगाह जाने का रास्ता भी इधर ही से है। देख रहे हो क्या माहौल है भाई मुंबई के दारूखाना झुग्गी झोपड़पट्टियों का, जो मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखा रहा हूँ गाइस। इसी तरह मुंबई की सबसे गंदी बस्ती में इसका भी नाम गिना जाता है, धारावी झुग्गी झोपड़पट्टी। चलो आगे चलते हैं, दूसरी गली में इधर देखो कचरा रखा गया है, इधर देखो कचरा है, और यहीं पर लोग रहते हैं। देख रहे हो, पानी डाल के यहाँ पर लोग खाना बना रहे हैं, बैठे हुए हैं। ये देखो भाई, ये है मुंबई की झुग्गी झोपड़पट्टियों का असली नज़ारा, किस तरह से ज़िंदगी जीते हैं भाई। मैं अलग अलग गलियों में ले चल के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर भी एक छोटा सा चौराहा है जहाँ पर लोग बैठक करते हैं भाई, जैसे गांव में चौराहे पर लोग बैठते हैं, लेकिन भाई इतना ज़्यादा कचरा इधर फैला हुआ है ना कि पूछो मत भाई। और काफ़ी बड़े बड़े इधर कारखाने भी हैं, अभी मैं वो भी वीडियो आपको दिखाऊँगा। इधर देखो, सबसे पहला कारखाना जो बिजली का वायर बनता ना, करंट वायर, वो यहाँ पर बनाया गया था, इतने मोटे मोटे
करंट वायर बनाए जा रहे हैं। ये देखो कितना मोटा है भाई, काफ़ी मोटा है। इधर इसका पूरा का पूरा कारखाना है, इधर ही ये वायर बनता है। किस तरह से लोग बनाते हैं वो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए वो अंकल जी बना रहे हैं, ये करंट वायर जो है यहीं पर बनता है, इसका कारखाना है पूरा भाई, ये देख रहे हो। और इधर देखो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े काट के इस तरह के ढक्कन वगैरह बनाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ना आपको कारखाने भी देखने को मिलेंगे। इन झुग्गी झोपड़ पट्टियों में लाखों करोड़ों के धंधे होते हैं। लेकिन इधर देखो कितनी ज़्यादा गंदगी फेंकी गई है भाई, इधर देखो कितने ज़्यादा गंदगी है। ये अंकल जी इसकी सफाई कर रहे हैं। लेकिन भाई यहाँ पे रहने वाले लोग किस तरह से रहते होंगे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना बड़ा बड़ा कारखाना भी है। इधर देखो, इधर कारखाना है पूरा, मैं जिधर अपना हाथ दिखा रहा हूँ ना भाई, वो सब कारखाना है। और ये है झुग्गी झोपड़ पट्टियों का हाल मुंबई के दारूखाना का। यहाँ पर देखो गाइस कितना ज़्यादा कचरा फेंका गया है। और अभी मैं इसके अपोजिट साइड दिखा रहा हूँ, तो यहीं पर लोग रहते हैं। इधर देखो कटरे ने डाले गए ना, ये सब रूम है भाई। और इधर देखो, इधर ही लोग अपने परिवार के साथ, छोटे बच्चे, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग अपने परिवार के साथ ना जिंदगी जीते हैं भाई। यहाँ देखो ये समुद्र के किनारे किस तरह से बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इतने कीचड़ में गांव में कोई इतने कचरे में अपने बच्चों को खेलने ही नहीं देगा। गांव में मैं बात कर रहा हूँ, शहर की बात ही छोड़ो, ये मुंबई की झुग्गी झोपड़पट्टियों का नज़ारा दिखा रहा हूँ। दारूखाना झोपड़पट्टी की असली सच्चाई, किस तरह से लोग जिंदगी जीते हैं मुंबई की झुग्गी झोपड़पट्टियों में, वो आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे गाइज। ये है मुंबई की झुग्गी झोपड़पट्टियों का असली नज़ारा, किस तरह से ऊपर कटरैन डाले गए हैं, उसके ऊपर पॉलीथीन डाली गई है, और यहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ ज़िंदगी जीते हैं। ये पूरा का पूरा भाई गटर है, और गटर के किनारे इन लोगों की ज़िंदगी देखो। इधर रूम बना हुआ है, ये पूरा का पूरा गटर है। इधर देखो, इधर भी किस तरह से झुग्गी झोपड़ पट्टियाँ बनाई गई हैं। वो बच्चा देखो ऊपर बैठा हुआ है, सीढ़ियाँ किस तरह से बनाई जाती हैं। ये है मुंबई की झुग्गी झोपड़ पट्टियों का हाल। ये देखो गाइस गटर के किनारे इन लोगों का ये झुग्गी झोपड़ पट्टी बना हुआ है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। ये देखो मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ, कितना बदबूदार ये पानी यार, काफ़ी गंदा है। और इधर देखो सभी लोग कैसे रहते हैं, ज़िंदगी कैसे जीते हैं, ये होती है भाई असली ज़िंदगी इन लोगों की। और तो भाई मुंबई में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों की असली ज़िंदगी यही होती है भाई, इसी तरह से लोग रहते हैं। गांव से भी बदतर है इन लोगों की ज़िंदगी। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल में बने रहिएगा।